गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार उपाध्याय फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिकॉज मैंने जो टॉपिक पिक किया है वो अगेन SBI स्पेशल के लिए पिक किया है, SBI मेंस स्पेशली। क्यों? क्योंकि अभी देखिए SBI मेंस ने क्या, मेंस के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं SBI मेंस के लिए, उनके लिए ना बहुत कम समय होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखनी होती हैं फिर से। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए अभी मैंने इससे पहले आपको एक बाइनरी कोडिंग के लिए, स्पेशल बाइनरी कोडिंग के कुछ टॉपिक्स आपको या कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप SBI मेंस में अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि उन बच्चों के लिए सीरियसली बहुत कम समय होता है जो SBI मेंस में अपीयर होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो आज मैं टॉपिक पिक करने वाला हूँ वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड मशीन इनपुट, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, राइट। बच्चों को दिक्कतें होती हैं लेटेस्ट पैटर्न में, पुराने पैटर्न को वो कहीं ना कहीं से एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। तो वही एम है इस बार कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं या जो वो वेरिएशंस और कर सकते हैं, उन वेरिएशंस को आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से देखिए और विजिट करिए, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को देखिए, रिकॉग्नाइज करिए, नोट डाउन कर लीजिए और साथ साथ हमें इस क्वेश्चन को करते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को जो अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जब तक आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे, जब तक मैं भी उसको बोर्ड पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। 4 6 यहाँ है, 1 4 2 7 2 3 5 3 5 1, 6 9 6 7 7 8 2 5 2 5 0 2 1 4 2 0 एंड 6। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज स्टेप नंबर 4 बच्चों, राइट। अब देखिए हमारे लिए क्या है, हम लोगों के लिए पहले तो पहले वाले क्वेश्चन में हिंट मिलते हैं, जनरली फर्स्ट इज रिलेटेड टू द फोर्थ वन, राइट। अब फर्स्ट इज रिलेटेड टू द फोर्थ वन, तो चलिए चेकआउट करते हैं कि हाउ। अब देखो बच्चों, हमारे पास सिंपल सा केस है कि हमें जो कनेक्ट किया जा रहा है, दिस वन इज कनेक्टेड टू दिस वन, यानी फर्स्ट वाली आकृति को फोर्थ वाली आकृति से कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स 2 और 3 से, आई डोंट नो हाउ, बस मैंने ये 2 और 3 को यहाँ पर रख लिया, राइट। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसको कैसे कनेक्ट किया है, तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं, क्या उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया है? नहीं। आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ बहुत सिंपल सा उन्होंने, देखिए मैं चाहता तो मैं क्या करता, मैं एक बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख सकता था, लेकिन एक्चुअली हमें समझना ये होगा कि इसमें लाखों तरीके के लॉजिक्स बन सकते हैं। तो उस दौरान आपके लिए जब ये SBI जब पैटर्न रखेगा, तो वो पैटर्न मतलब स्पेशली ऐसा नहीं होगा कि कोई ऑकवर्ड रिलेशन उनके बीच में वो प्रोवाइड करे, वो सिंपल रिलेशन्स होंगे आपके, मल्टीपल पर आधारित हो सकता है, आपका एडिशन पर आधारित हो सकता है, आपका सब्ट्रैक्शन पर आधारित हो सकता है, या स्क्वायर वैल्यूज पर आधारित हो सकता है। तो ऐसे कुछ मतलब जो जेन्युइन जो ट्रिक्स होती हैं या जो जेन्युइन लॉजिक्स होते हैं उनको तो रख सकते हैं, बट अगर आप कहें कि एकदम अचानक से इनका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और उसका डिफरेंस ले लिया, ये ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जितना भी सीख सकते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें, हम किसी से हिंट ले लेते हैं या उसकी हेल्प ले लेते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो उनसे पता लग जाता है। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, उनके लिए प्रॉपर लॉजिक होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई, जैसे लास्ट में भी आपने देखा हो तो उन्होंने इन 2017 जब SBI के जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों उन्होंने सिंपल आपस में मल्टीप्लाई यूज़ किया था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो एब्जर्ड लॉजिक पूछेंगे आपसे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। चले तो इनको क्या किया, आपस में उन्होंने सिंपली ऐड कर लिया, देखिए 4 और 2 को ऐड कर लिया कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, 6 एंड 3 को ऐड कर लिया बच्चों कितना हो गया, 9 आ गया। यहाँ इनको आपस में देखा तो यानी दिस इज रिलेटेड टू द फिफ्थ वन, यानी कि 5 एंड 3 से रिलेट है ये आपस में, तो यहाँ हम देखा 5 एंड 1 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, एंड 4 एंड 3 कितना हो गया, 7 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं, ये जो है 2 एंड 7 रिलेटेड टू है द 5 1, तो यहाँ 5 और 1 से ये रिलेट कर रहा है, तो यानी क्या,
5 एंड 2 कितना हो गया 7 हो गया और 1 एंड 8 कितना हो गया 1 एंड 7 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। सो क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेप क्या किया उन्होंने, पहले को पहले से ऐड कर दिया है, दूसरे वाले को दूसरे वाले बॉक्स से ऐड कर दिया है और ऐड करके वो वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर दिया है। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कदम पर। लेकिन अभी नेक्स्ट कदम पर जब हम पहुँचते हैं तो हम लोग पाते हैं कि अभी हमारे पास 2 बॉक्स वेरिएबल्स थे, अब अचानक से 3 बॉक्स वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 252 कैसे आ सकता है। देखिए अगर मैं किन्हीं 2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ इन 3, वैसे मैं एक नॉर्मली आपको लॉजिक बता देता हूँ, जिन बच्चों ने पहली बार ये मशीन इनपुट का हाई लेवल लेटेस्ट पैटर्न देख रहे हैं उनको बता दूं कि कैसे कैसे लॉजिक्स हो सकते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, जनरली आपका पहला पहला और पहला भी ऐड करके वैल्यू रख सकते हैं, पहला मल्टीपल बाई दूसरा मल्टीपल बाई तीसरा भी रख सकते हैं जो कि इसमें यूज़ हो रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये भी हो सकता है। मतलब जनरली एक लॉजिक होता है क्या कि पहला 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 और दूसरा दूसरा दूसरा, ये वाली वैल्यू होती है। अगर ये नहीं होता है तो बेटा और क्या हो सकता है, देखो वो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस इस जगह रख देंगे, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस इस जगह रख देंगे, ठीक है, या इन दोनों को ऐड करके यहां रख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके यहां रख सकते हैं। बात समझ आ रही है, हो सकता है कि उसका भी आपस में बाद में वो सम कर दे, ठीक है। और क्या हो सकता है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर लें, यानी कि जैसे ये 15 बन रहा है ये 13 बनेगा, तो दोनों को क्या कर सकते हैं 15 और 13 को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 28 आ जाता। मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कि क्या क्या और हो सकता है, तो उन चीज़ों को ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूँ कि ये इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते थे, इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते थे, उन दोनों को आपस में ऐड करके यहाँ रख देते, ये भी एक लॉजिक हो सकता था। और इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया और सबको यहाँ ऐड कर सकते थे। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि इनकी जगह पर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर लेते हैं, कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, आपको आपने देखा नहीं अरे यार ये तो एकदम अचानक से इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गए। तो जैसे सपोज करो यहाँ 14 है, 14 की जगह पर क्या यूज़ कर सकते थे, एन यूज़ कर सकते थे या उसका रिवर्स वाला, यानी अल्फ़ाबेटिकल जैसे ए के अपोजिट जेड होता है उस तरीके से भी वो अप्लाई कर सकते थे, राइट। सो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है बच्चों, यहाँ पर इस बार उन्होंने जो यूज़ किया है वो पैटर्न यूज़ किया है कौन सा, कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7, इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 252 जो उन्होंने यहाँ हमें प्रोवाइड किए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला कि 252 आएगी और ये मल्टीपल के थ्रू आएगी, तो बच्चों ये तो बहुत आसान सा लॉजिक था कि अगर हमें 2 बॉक्स मिलाने हैं उनसे 3 डिजिट की वैल्यू बनानी है, तो 3 डिजिट की वैल्यू बनाने के लिए बेटा आपको ना मल्टीपल करना अनिवार्य है। अब ये नेसेसरी नहीं है कि आपका तीनों में मल्टीपल हो, ये भी हो सकता है कि पहले और दूसरे को आपस में जोड़ के तीसरी वाली वैल्यू में मल्टीपल कर दे, यानी 6 प्लस 6, लेकिन करेगा कुछ ऐसे ही फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। तो कभी भी अगर आपको लॉजिक पहचानना है ना, अब कुछ तो नंबर रखेगा ना, जब वो नंबर रखेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी 666 का 6 एंड 7 का कुछ करके हमें ये वैल्यू लानी थी, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, साथ साथ आपको दूसरे भी क्वेश्चंस के लिए लॉजिक बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता था कि 6 और 6 को आपस में ऐड कर ले और 7 से मल्टीपल कर दे, या ऐसा भी हो सकता था कि 6 और 7 को आपस में मल्टीपल कर ले, मतलब या 6 और 7 को ऐड कर ले और 6 के साथ मल्टीपल कर दे, तो ऐसी कोई भी वैल्यू वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो आपको करना क्या होता है, जो भी फर्स्ट 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 वेरिएबल है तो बच्चों उनको एक साइड रख लिया करो, फिर दिखा करो कि हमें जो टोटल रिजल्ट है वो लाना कितना है। अगर हमें टोटल रिजल्ट यहाँ कितना लाना था, 252 लाना था, तो हम जानते हैं कि 2 का 2 मतलब जो हमारी वैल्यूज चली थी वो 2 बॉक्सेस में चल रही थी और अचानक से वो 3 वेरिएबल वैल्यू बन गई है, तो 3 वेरिएबल वैल्यू बनने का मतलब है कहीं ना कहीं उसमें मल्टीपल हुआ होगा। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती, 69 से भी कम हो जाती या कुछ और ज़्यादा कम हो जाती, बहुत ज़्यादा कम हो जाती, तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकते थे, या इनका आपस में पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़कर, सपोज करो यहाँ 5 होता, यहाँ पर हमने कितना रखा होता, बेटा केवल 5 रखा होता, तो 6 और 6 कितने हो जाते, 12 हो जाते, और माइनस कर देते 7 को। तो ये चीज़ें हैं, यही तो समझना है आपको कि एक्चुअली वो वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेगा।
तो अब बात शायद एक चीज़ क्लियर हो गई होगी नीट एंड क्लीन, कि हमें जो कुछ भी करना है फर्स्ट फर्स्ट एंड फर्स्ट को लेकर के करना है। अब उन वैल्यूज को एक बॉक्स में कहीं साइड में रख लिया करो और देखा करो कि जो नेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, राइट। तो जो वैल्यू नेक्स्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग उसको, जैसे हम लोग मल्टीपल एडिशन जो भी करते हैं वो आसानी से दिख जाती है। बच्चों को ये नहीं पता होता, रैंडमली सर्च कर रहे होते हैं इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल उसमें, तो रैंडमली नहीं करना है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या किया, 6, 6, 6 and 7 का मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया बच्चों, 252 आ गया। वैसे ही अब क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे 9 जो सेकंड वाली वैल्यू है, फिर 7 यानी मल्टीपल बाय 7, और जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज़ 8, इन सब का मल्टीपल के लिए बच्चों आ गया 504, क्लियर है। सो हमें यहाँ मिल गई वैल्यू 504। अब क्या हुआ है, यहाँ कुछ करके इस बॉक्स का कुछ रिप्रेजेंटेशन 14 बना है, इस बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ 20 बना है, वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 2, 5 and 2 था, हमें लाना है कितना 14, और यहाँ कितना है 504, और लाना है 20। तो 504 से 20 कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ किसमें, 4 में 20 मिल जाएगा, लेकिन अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबका मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ 0 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में ऐड कर दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 5 और 0 कितने हो जाएंगे, 5 रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए उसको यहाँ चेक कर लेते हैं, 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 2 से कितना आ गया, 14 आ गया, यानी ये हमारा लॉजिक एक्यूरेट है, राइट। सो यानी यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 14 और यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 20, राइट। और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो तो बहुत आसान है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यानी 20 माइनस कर दिया 14, मिल गया आपको कितना 6। अब आपको जो अगेन इनपुट दे रखा है उस इनपुट को भी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन है जो इनपुट दे रखा है, और उन्होंने इस इनपुट में आपको प्रोवाइड किया है 4, 6, 4, 3, 5, 1, 3, 3, 5, 6, 1, 7, राइट। इसको अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लीजिए, फिर इसी पर वही चीज़ अप्लाई करनी है जो आपको अभी आपने उसमें प्रोसेस को फाइंड आउट किया है, क्लियर। सो नोट डाउन कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसी चीज़ को उस पर अप्लाई करने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4, 6, 4, 3, 5, 1, 3, 3, 5, 6, 1, 7, ये आपका इनपुट है, ये इस पर आपको अब क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इसको हम उसी तरीके से हमें स्टेप्स बनाने हैं, ठीक। चलिए तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करते हैं बच्चों। देखो स्टेप नंबर 1 में उसने क्या किया था, पहले ये देख लेते हैं कि स्टेप नंबर 1 में उन्होंने क्या किया था। तो शायद आपको ध्यान हो तो पहले और चौथी वाली जो फिगर था, पहले और चौथे को उन्होंने आपस में ऐड कर दिया था फर्स्ट को फर्स्ट से, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया था और इसको ऐड कर दिया था। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज़ एक वैल्यू मिलने वाली है दैट इज़ 79, एक बॉक्स में जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 79 मिलने वाली है, दूसरे बॉक्स में जो वैल्यू मिलने वाली है वो 5, 6 को आपस में ऐड किया था तो यहाँ से मिल रहा है 9 और यहाँ से भी मिल रहा है 9। तो दूसरे बॉक्स में जो हम प्लेस करने वाले हैं दैट इज़ 9 and 9, थर्ड वाले बॉक्स में जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी हमें 1 and 7, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, तो यहाँ हमें 6 and 8 मिलने वाला है, क्लियर है। चले अब 6 and 8 मिलने वाला है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब स्टेप नंबर जो 2 था, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को क्या हुआ था, क्या किया था हम लोगों ने, हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए हम लोगों ने 7 यानी फर्स्ट 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 को आपस में इन तीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। देखिए 7 × 9 × 6, ये तो यहाँ आनी है वैल्यू और इधर आना है 9 यानी जो सेकेंड वाली वैल्यू है दैट इज़ 9, 9 and 8, क्लियर है। चलिए तो इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 9, 7 × 63 × 6 इक्वल्स टू बनेगा आपका 6 × 18 = 1 और 36 और 1 = 37 यानी ये बनेगा 378। और यहाँ देखते हैं वैल्यू, यहाँ बन गया 81 × 8 यानी 8 और 64,
यानी 4648 यहाँ और यहाँ बना है आपका 357, क्लियर है। चलिए सो अब यहाँ 357 बन गया, सॉरी 378, यहाँ मिली है हमें वैल्यू 378 और यहाँ जो वैल्यू मिली है वो मिली है 648 648, क्लियर। नेक्स्ट वाले राउंड अप में उन्होंने क्या किया था बच्चों, मैं फिर से याद दिला दूं, उन्होंने पहली दो वैल्यूज को ऐड किया था यानी 3 + 7 किया था और उसे मल्टीप्लाई किया था 8 से, ऐसे 6 + 4 करना था और मल्टीप्लाई करना था किससे, 8 से। तो जो वैल्यू मिली है हमें कितनी मिलेगी, यहाँ देखिए 10 और 10 का मल्टीपल करते हैं 8 के साथ तो कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है स्टेप नंबर किसमें, 3 में, स्टेप नंबर 3 में जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है कितनी, 80। और यहाँ अगर बात करते हैं तो स्टेप यहाँ से भी 10 और 10 मल्टीपल बाई 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्लियर है। सो यहाँ से दोनों जगहों से हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है 80 and 80। और जो स्टेप नंबर 4 था हमारे पास, उसमें क्या था, इन दोनों का डिफरेंस था 2, जो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको हमें मिल गया स्टेप नंबर 1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 378 and 648, और यहाँ हमें स्टेप नंबर 3 में मिला है 80 and 80 और स्टेप नंबर 4 में मिला है हमें 0, राइट। अब देखो बच्चों वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते हैं कि आप इसका सिर्फ आंसर निकाल देंगे, तो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछेगा बताइए व्हाट इज द रेशियो, क्वेश्चन में आपसे कह सकता है, या मैं इधर लिख देता हूँ या आप भी नोट डाउन कर सकते हैं उस चीज़ को, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड इन स्टेप नंबर 3 या ऑब्टेंड बाय स्टेप नंबर 3। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑब्टेंड इन स्टेप नंबर 3, अर्थात स्टेप नंबर 3 में जो वैल्यूज मिली हैं उनका अनुपात क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 3 में आपको क्या मिला है, 80 and 80 मिला है। अगर मैं 80 और 80 का रेशियो की बात करता हूँ तो 80 by 80 कितना हो गया, 1:1 हो जाएगा, क्लियर है। बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं या ऐसे लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उन सबको एक बार ज़रूर विजिट करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लियर। सो इस तरीके से मेहनत करते रहिए। और हाँ एक चीज़ और मुझे जो आपसे चाहिए, दैट इज़ कि आप जो नीडेड बच्चे हैं जिनको वास्तव में डिमांड है और वो कहीं से सोर्स नहीं पा पा रहे हैं, यानी कि उनको पढ़ने का जरिया नहीं मिल पा रहा है या कहीं से लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, आप उनको अवेयर करिए, लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स से जोड़िए और उन बच्चों को बताइए कि मैं उनके लिए यहाँ वर्क कर रहा हूँ। तो दिमाग में कभी कभी ये रहता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर YouTube पर इसलिए आए हैं ताकि पैसा कमाने के उद्देश्य से। बच्चों पहली बात तो ये है कि शायद अगर आपको पता हो या आप अवेयर हों तो YouTube ने सारे जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कर दिए हैं फरवरी 2018। सो पैसा कमाने का जरिया नहीं बचा है, ठीक है। और मैं जो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, ये ना मुझे थोड़ा सा ना एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मेहनत करता हूँ उसका फीडबैक देखने का कोई और तरीका नहीं है, मुझे बस व्यूज़ से और सब्सक्रिप्शन से पता चलता है कि हाँ मेरे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं। सो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस सेक्टर में यानी बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर टुडे।